तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। और मैं हूँ जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई, पीएम मोदी प्लस मिलोनी, मिलोदी नीचे लिखा हुआ है उन्होंने। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट, और देखते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। रामचंद्र कह गए सियासत से कि ऐसा कलयुग आएगा कि फैंस के द्वारा जो मीम बना उस पर मौज प्रधानमंत्रियों द्वारा काटा जाएगा। मतलब आंखें फटी रह गई दुनिया की जब दुनिया ने देखा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुस्कुराते हुए से एक तस्वीर डाली और उसमें नीचे लिख दिया मेलोडी। इंस्टाग्राम में गाने भी दिमाग में बजते अच्छा चलता हूं धुआं हूं हां एग्जैक्टली उन्होंने मौज काट दी। और उसका असर ये है कि मैडम के फॉलोअर्स तो धड़ 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 मैडम की पेज पर जो 25 रिट्वीट 50 रिट्वीट 100 रिट्वीट हो रहे थे 54,000 रिट्वीट तो थोड़ी देर में कुछ ही घंटों में हो गया 25 मिलियन व्यूज हो गए। आई मीन दैट्स ह्यूज शॉकिंग। लोग कह रहे हैं कि भैया मेलोडी इतनी अच्छी क्यों लग रही, जोड़ी अच्छी लगती मतलब क्या ही कहा जाए, प्रधानमंत्री से बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा है। बट इन दोनों की बीते 10 महीने में चौथी मुलाकात है और चौथी मुलाकात एक मिनट 10 महीने में 4 बार मिली कुछ तो हुआ है। भाई साहब सोशल मीडिया पर गजब की मौज काटी जा रही है। I mean, that's, क्या कहा जाए यार, मतलब कहना बहुत कुछ चाहते फिर आपको लगता है नहीं यार नहीं है शुभांकर देश के प्रधानमंत्री हमारे 140 करोड़ के, लेकिन फिर हमको लगता है अभी उनको भी तो पता होना चाहिए ना देश के प्रधानमंत्री है। अच्छा अगर आपको लगता है कि उनको नहीं पता है ना तो आप बहुत मासूम, मतलब मैडम को दिख रहा होगा ना कि इस पोस्ट में क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और यही नहीं इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर और दुनिया कैसे भरी पड़ी जब से वो दोनों मिले हैं, वो जो मीम्स बनते हैं जिसमें कहा था हाउ आई ट्रीट अदर गर्ल्स एंड हाउ आई ट्रीट माई फेवरेट सो लोगों ने लिखना शुरू किया, मतलब अधिकारियों ने ब्यूरोक्रेट्स ने लोगों ने मीमर सब ने मौज काट दी इस पोस्ट पर। आई मीन 17-18 हज़ार कॉमेंट है यार उस पोस्ट पर जो मैडम ने डाला, और उस पर लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये ट्विटर के इतिहास में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली पोस्ट है। आई एम श्योर ये पोस्ट कम से कम 100 मिलियन जाने वाली, 25 मिलियन तो हो चुकी है कुछ घंटों में, 100 मिलियन कहीं नहीं है। अच्छा चलता हूं चन्ना मेरे, आई मीन ह्यूज ह्यूज। अच्छा मेलोडी अगर आप नहीं जानते मेलोडी क्या होता है तो मेलोडी मतलब होता है मैडम जॉर्जिया मेलोनी MELONI और नरेंद्र मोदी जी का MODI, और मेलोनी और मोदी से मिलाकर ये मेलोनी और मोदी से मिलाकर मेलोडी है। हाँ, वो नीचे लिखा हुआ था उसमें ट्रेंड में। हाँ, वही वही विरुष्का ये सारे कपल्स करते हैं क्यूट क्यूट मिलाकर कि थोड़ा क्यूट लगता है, मैसेज अच्छा आता है, ट्रेंडिंग है। वैसे मैं आपको जानकारी और दे दे कि मैडम का हाल फिलहाल में ही डिवोर्स हुआ है। अच्छा, मतलब कुछ तो हुआ है, हो सकता है। इसके बाद लोगों ने मौज काटनी शुरू कर दी। किसी ने लिखा कि यार ये इंटरनेट ब्रेक करने की ना एक कॉन्स्पिरेसी, मतलब यार इतनी मौज कोई कैसे काट सकता है। किसी ने लिखा कि यार आप एक घंटे में आप 1 लाख फॉलोअर कमा चुकी मैडम, आपको अंदाजा है। वैसे हम भारतीयों का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर किसी ने पॉलिटिकल अंदाज में मौज काट दी कि ये जो पोस्ट आपने की है मैडम इसका पैसा सीधे अडानी की जेब में जाएगा। बहुत ज्यादा वाला एक है कि क्या नाम है मोदी जी का मामला जो है वो मेलोडी तक पहुंच गया है, लेकिन आप लोग सख्त रहना। कुछ लोगों ने लिखा कि भाइयों आप लोग और जोर लगाए रहो, अगर आप जोर लगाए रहोगे तो फिर ये ऐसे ही रहेगा और मामला जो है जबरदस्त चलता रहेगा और क्या पता आगे बात बन जाए। लेकिन आई मीन दैट्स ह्यूज इंटरेस्टिंग कि इंस्टाग्राम पागल हो गया था, ये हम सब ने देखा। सारा मतलब इतने मीम्स इनको लेके बन गए। और एक और फिर एक किसी ने मोनिश बहल का वो पोस्ट डाल दिया कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते है? और यहां पर मैडम ने तो लिखा था गुड फ्रेंड्स, हालांकि मोदी जी ने भी रिप्लाई किया था उस पे कि मीटिंग फ्रेंड्स ऑलवेज अ डिलाइट, हमेशा खुशी की बात है। मोदी जी भाई अंदर से एक्चुअली में मोदी जी ने मौज काट दी और मैडम ने भी काट दिए। कुछ लोगों ने वो गाने लगाने शुरू कर दिए जस्ट लुकिंग लाइक वाओ 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 वाओ। कुछ लोगों ने कहा यार मोदी जी की फोन वाली फोटो ला कि अरे मोदी जी आप इसको ऑफिशियल भी कर दीजिए। बट जो सबसे बड़ा सवाल है यही यार कि
मेलोडी वो कैसे लिख सकती है, मतलब यार वो बच्ची नहीं है, कम ऑन जी, वो बच्ची नहीं है। वो एक टीवी एंकर को डेट करी थी, उनका पति कुत्ता कमीना था जिसने उनको डिच किया और अपने ऑफिस की दूसरी लड़कियों को सेक्सुअल अपील कर रहा था कि ये करो वो करो मेरे साथ ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारी चीजें। लेकिन अपने ब्रेकअप के बीच में जो उन्होंने ये तस्वीर डाली है, आई एम श्योर उनके एक्स हस्बैंड जो है वो तो जलकर स्वाहा हो गए होंगे और इंटरनेट जो है वो भी पागल हो गया होगा। मतलब मोदी जी भी 5 मिनट ही आ गए होंगे कि यार ये क्या था, मतलब तुम कैसे कर सकते हो। मोदी जी सब देखते हैं, आप अगर सोचते हैं मोदी जी कुछ नहीं देखते बहुत गलत है। मोदी जी हर सब देखते हैं और पूरा इंटरनेट पे नजर रखते हैं, पूरी मौज काटते हैं। और बार बार कहते हैं ना एआई वाला भी उन्होंने देखा था, तो वो जो एआई डीप फेक पर उन्होंने कहा था कि गरबा करते हुए मेरा वीडियो जो देखा मैंने, अगर गरबा वाला देखा तो मेलोडी वाला भी देखा। और ये साल में चौथी मुलाकात है, पहली मुलाकात जो हुई थी G20 में हुई थी, वहां फिर G20 के इतर भी उनसे एक बार मुलाकात की गई, फिर हिरोशिमा ये लोग गए, G7 मुलाकात हुई, फिर मेलोनी से रायसीना डायलॉग जो था उसमें इनकी चर्चा हुई और अब यहां भी इनसे मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात फिलहाल कुछ खास है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में मतलब इतना, आई मीन जो मीम क्रिएटर है उनको तो मौज आ गई, मतलब अब उनको ऑफिशियल हक मिल गया कि बाबू हम मीम बनाएंगे हक से बनाएंगे, कि अब तो उधर की प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मतलब नहीं वो अभी लेकिन यार यकीन जाने जब ये पोस्ट देखी थी ना, लोग तो छुप छुप के देखते थे, हैरान रह गए थे, कसम से हैरान रह गए थे जब ये पोस्ट देखी थी। इधर से जाते ही जाकर सीधा जब ट्विटर चलाया तो देखा तो ऐसे करके पीएम मोदी हंस रहे हैं, सार साथ में लोनी ऐसे करके खड़ी हुई है, पता नहीं क्या सीन हो गया होगा यार। और फिर मुझे लगता है जहाँ तक कि एक बार फिर से रात को पीएम मोदी ने रीट्वीट की है इनकी ट्वीट। अच्छा हाँ, अब पता नहीं मुझे कन्फर्म, काफी यार मामला छिड़ गया कि यार चेक कर मामला यार, अभी मैं देख रहा हूँ पीएम मोदी का ऑप्शन आप वो मैं देखता हूँ, लेकिन भाई ने रात को अभी 20-25 मिलियन बता रहे थे ना, अभी 37 मिलियन तक पहुंच चुकी है और भाई आप एक चीज देखे जो कमेंट्स है ना, जो कमेंट सेक्शन है वो आप जाके देखे 20,000 कमेंट हुआ है। वो 20,000 वो तो खुद ही पागल हो गई होगी कि इतना प्यार मुझे कहां से मिल गया उनका बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया। मोदी जी का तो प्यार है ही है, लेकिन जो लोगों का पूरे इंडिया का प्यार उसे मिल गया ना, उसने तो भाई पागल हो जाना, ध्यान रखना किसी भी एयरपोर्ट पे होगी यार। अब तो क्या ऊपर लिखा है, मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज ए डिलाइट, ये भी ट्वीट देखे भाई, ये 7 मिलियन पे है यार, ये अब थोड़ा सा और सीन है ना। नहीं बाकी यार बोला था कि एक उन्होंने रीट्वीट रात को ही किया है, लेकिन सही बात है यार, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई एज नहीं होती, प्यार तो प्यार ही होता है, प्यार प्यार। लेकिन देखा जाए ना ये इस दफा इसलिए फ्रेंडली हुई है क्योंकि वो बुड्ढड़ खुश वो जो बाइडन वो भी इसके पीछे है जी, वो पर लैंड लून मारता, जब से सुना है ना उसने इसका ब्रेकअप हो गया है, G20 मीटिंग में देखा था वो ऐसे आशिक है, हाँ वो नहीं नजदीक जाने देता था, बल्कि वो एक दफा इकट्ठे वो बाइडन और ये दोनों बात कर रहे थे, पीएम मोदी ने उसको साइड पे इधर आते चवल नहीं, इसलिए आए इस दफा इतनी आगे तो काम करा रहा है इसलिए भाई वो आए, इसलिए इतनी फ्रेंडली हुई है ना कि वो नहीं आया बुड्ढो यार, वो पर ही रहे तो अच्छा ही है। सही बात है यार, ये एक पूरा इटली काबू करने वाली बात है, बड़ा चुन चुन के बदला लेना, अगर ये बदला ले लेना कसम से मजा आ जाना है, और लगता नहीं कि ये काम दूर है भाई, जल्दी जल्दी मेलोडी उसने लिख दिया है ना यार। हाँ, ये तो कमाल का है, तो एंड हो गया इस चीज के ऊपर, लेकिन ये वाकई सीमा तो कोई नहीं होती। और अब जो है ना वो सीन थोड़ा सा चल पड़ा, क्योंकि पहले इधर से थोड़ा सा जो है ना वो लोग देख रहे थे, लोग फील कर रहे थे, पहले सीरियस नहीं लिया, लोगों के जज्बात जो है ना वो यहाँ तक आते थे, आगे नहीं निकलते थे क्योंकि थोड़ी रुकावट थी कि यार नहीं आखिर थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। लेकिन जैसे ये उधर से आप स्टार्ट हुआ ना, आप यकीन करो हल्ला मचा हुआ, आप इंस्टा पे जाएं मीम्स ऐसे ऐसे यकीन करो सामने नजर से गुजरे हैं ना, एक दफा वो जो सदियों पुराने गाने लोग भूल चुके थे वो भी लगा लगा के ना वो दिखा रहे हैं
यार सही बात है, पीएम मोदी भाई काफी एक रोमांटिक मूड में थे उधर अरबियों में, लेकिन अभी जो आगे एक नेक्स्ट समिट होना है ना उसमें देख लेना भाई, पक्का काम बन जाएगा क्योंकि इस ये पोस्ट वो देखते देखते। यार मेरी बात सुनो, वो कौन सा भाई वहीं जाकर बात करते हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम भी है हर चीज, एक ऑप्शन दिए वो, नहीं यार वो तो होता है लेकिन ये जो एक आमने सामने चीज होती है ना वो ओपनली, तो आप लोगों को पता चल गया इससे बढ़कर क्या है कि एक ये जो पिक्चर है इतने लोगों ने देख ली, हर एक बंदे के मुंह में अब बात ये मीडिया की नजर जो है ना वो जो थोड़े से एक आउट का मीडिया होता है वो कोशिश करते हैं इन चीजों को पिक करने की, उनकी नजर आप इधर ही होनी है और कोशिश होनी है कि किसी ना किसी तरीके आस पास जाए, बल्कि दूर दूर से जो इशारे हो रहे वो भी उन्होंने नोट कर रहे होने हैं देखना। लेकिन अब ये जो वहां पे सबमिट हुआ था ना उसकी सारी वीडियो दोबारा देखनी पड़नी है कि कैसे चेयर के साथ बैठे हुए थे, जाते इधर चेयर इधर पीएम मोदी बैठे थे, इधर मेलोनी बैठी हुई थी, आपस में बातें कर रहे थे कोई भाई। आप मेलोनी छोड़ दें, मेलोडी बोला करे मेलोडी, मेलोडी भाई उसका नाम है, उन्होंने खुद नाम दे दिया अपने आप को मेलोडी भाई। आप देखना जैसे एक ट्वीट से नीचे वो कमेंट्स देख रही है ना उसके अंदर खुद भावना जाग जाएंगी आप भी बहुत कमेंट यार। इंडिया के लोग काफी हेल्प कर रहे हैं पीएम मोदी की के हम किसी ना किसी तरह ये काम कंफर्म कर दें, नहीं ये होना ही होना, वो करे ना करे लोगों ने करवा देना जबरदस्ती के भैया पक्का है आप चिल करे है। हाँ लेकिन ये कि आप किसी ना किसी तरीके कोई समिट निकले जो इंडिया में हो, यकीन करो जिधर भी हो वेलकम होगा ना जिधर भी आगे करेंगे, जिधर भी होगा आप देख लेना ट्विस्ट आएगा, एक लोगों को वेट होगा उस समिट का, पहले लोग नहीं वेट करते थे कि समिट हो या ना हो, लेकिन इस दफा जब पीएम मोदी और भाई एक मेलोडी साथ साथ होंगे लोग देख रहे कैसे नजर रखेंगे एक एक बात बार, क्योंकि चीजें काफी छिड़ गई हैं। जो बाइडन भी कभी आप बाय ना मजा तब बना है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि वो हो जाना कोई जो बाइडन अब नजदीक भी नहीं आएगा जब से वो उसने तस्वीर देखी होगी। नहीं वो आपने वो एक वो राउंड 12 वाली एक मतलब के एपिसोड में वो बोलता है साले मंत्र मारूंगा भस्म हो जाएगा ये मोदी ने भाई जो बाइडन को वो ही बोलना है कि साले ऐसा मंत्र मारूंगा भस्म बस यही है तो वो चीजें जरूर होनी है अब कोई रुकावट नहीं यार, बहुत वायरल पोस्ट हुई है अभी वर्ल्ड में, पूरे अभी वर्ल्ड में जाएगी, अभी तो एक पकड़ रही है, अभी रात का स्टार्ट पकड़ा है इसने। हाँ रात का सही, अब देखना ये कुछ बेचारे गरीब गरीब सो गए थे उनको सुबह सुबह पता चला और वो अपने ना एक भावनों पर रुकावट नहीं डाल रहे फट गए हमारे जैसे बिल्कुल भाई, बाकी सिंगल लोगों के लिए तो भाई मुसीबत बढ़ रही है ये क्या हो गया पीएम मोदी जी को मिल गया, हम अभी नहीं बीपी भी ठीक ठाक है यार, क्या ठीक है यार काफी अट्रैक्टिव है। राहुल गांधी भी सिंगल ही नहीं है तुमने अब उसको क्या कहा, उसके अंदर भी भावने जागे नहीं होंगे वो कोई और तलाश करे, ये तो अब इधर ही पीएम जब वो बनेगा, लेकिन उसको आप छोड़े लेकिन ये मोदी कमाल था और एक दफा लोगों ने भी चास करा दिया जो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी वीडियो, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते नहीं वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड।